हेलो किड्स, मैं शमीना टीचर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपको ये सिखाती है कि हमेशा अपने मित्रों का साथ देना चाहिए, कभी किसी को मजदार में छोड़कर नहीं भागना चाहिए और सूझबूझ से परिस्थिति का सामना करना चाहिए। अगर आप सहयोग से काम करेंगे तो आप बड़ी से बड़ी विपदा का सामना कर सकते हैं। एक जंगल में तीन दोस्त थे। तीन दोस्त, एक चूहा, एक हिरण और एक कबूतर। ये तीनों अलग अलग पर इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। ऐसे ही आपको भी हर जाति, धर्म, वर्ण, रईस, गरीब सभी के साथ मित्रता रखनी चाहिए। यह कहानी आपको यही सिखाती है। ये तीनों एक दिन जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते हिरण आगे गया। उसने देखा नहीं वहाँ शिकारी ने जाल फैला के रखा था। हिरण जाल में फंस गया। चूहे ने देखा घबरा गया। कबूतर ने देखा घबरा गया। फिर इन्होंने सूझबूझ लगाई। कबूतर ने कहा, मैं देखता हूँ जाल यहाँ है, शिकारी थोड़ी यहाँ है, शिकारी तो थोड़ा दूर होगा। कबूतर ने कहा, मैं उड़ान भर के जाता हूँ और देखता हूँ शिकारी कितना दूर है। चूहे ने कहा, तब तक मैं फटाफट जाल काटना शुरू कर देता हूँ। चूहे ने जाल काटना शुरू करा। कबूतर ने निगरानी रखना शुरू किया। कबूतर ने देखा शिकारी थोड़ी दूरी पे था, उसने आके सूचना दे दी। चूहा जाल काटने लगा, फटाफट जाल काट रहा था, उधर से शिकारी वापस आ रहा था। कबूतर गया उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए शिकारी पर हमला कर दिया। पर छोटा सा कबूतर कितनी देर तक यह कर पाता? आखिर वो शिकारी के पंजे में आ गया। अब शिकारी ने उसको कबूतर को रख लिया। सामने देखा तब तक चूहा पूरा जाल काट चुका था। अब चूहा भी भागा और हिरण भी निकल कर भागने लगा। भागते भागते उन्होंने पलट के देखा तो कबूतर तो शिकारी के पंजे में था। हिरण को बुरा लगा। उसने सोचा, मेरी जान पर आई थी तो मेरे मित्र ने मेरी मदद की, तो मुझे भी इसकी मदद करना चाहिए। हिरण ने पलट के देखा और बहाना बनाकर लंगड़ा कर चलने लगा। वो शिकारी को ये दिखाना चाहता था कि उसे चोट लगी है और वो चल नहीं पा रहा है। वो धीरे धीरे चलने लगा। चूहा उसके आगे आगे चलने लगा। शिकारी ने देखा, अरे हिरण तो घायल है, इसका मतलब मैं हिरण को पकड़ सकता हूँ। शिकारी ने कबूतर को छोड़ दिया। जैसे ही कबूतर को छोड़ा वैसे ही चूहा भागकर बिल में छुप गया, हिरण जंगली झाड़ियों में छुप गया और कबूतर आकाश में उड़ गया। इस तरह तीनों मित्रों ने एक दूसरे के साथ सूझबूझ से एक दूसरे की जान बचाई। तो दोस्तों, हमारी कहानी हुई यहीं खत्म। आप लोग भी अपनी मित्रता इसी तरह निभाएंगे और नया वर्ष शुरू हो गया है। आप सभी बच्चों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वर्ष आप और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।